हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। आज हम इस वीडियो का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसी चैप्टर से जुड़े हुए। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा? विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सो क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि 54th टर्म में जब हम 132 प्लस करते हैं तो कौन सी टर्म आएगी। तो सबसे पहले हमें ये एपी दे रखी है, हम 54th टर्म सबसे पहले फाइंड करेंगे। फॉर्मूला जल्दी से बताइए, ए प्लस एक कम होता है इसमें से 53rd डी। ए क्या दे रखा है आपको? ए है आपका 3, डी कितना है बेटा आपका? ए टू माइनस ए वन, डी आएगा आपका 12। तो हम चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए की जगह ए रख देंगे और डी की जगह हम रख देंगे डी। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, हमारे पास आंसर आएगा 636 और उसमें हम 3 प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 639। इसके साथ हमारे पास ए 54 टर्म आ चुकी है। अब आगे क्या करना है बेटा? आगे हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इसमें प्लस करना है 132। तो जैसे मैं प्लस करूँगी 639 में 132, तो मेरे पास जो टर्म आएगी बेटा वो आएगी 771। ये मेरा ए एन हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा था कि कौन सी टर्म। सो बेसिकली ये हमें निकालने के लिए बोल रहा था कि आप nth निकालो। क्या निकालना है आपने? nth। जब आपका an इतना होगा तो हम डायरेक्टली an का फॉर्मूला लगाएंगे। an हमारा दे रखा है सबसे पहले तो 771 और an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें ए भी बताया क्या है, ए पी के पास जाइए, ए पी हमें a दे रखा है 3 और d कितना दे रखा है 12। तो हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 771 3 एन माइनस वन डी 12 था, जो चीज़ प्लस हो रही है इधर आके माइनस, 771 माइनस 3 एन माइनस वन मल्टीप्लाई 12। सो बेटा यहाँ पर आएगा आपका 768 एन माइनस वन इंटू 12, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा बेटा, और आपके पास यहाँ बचेगा एन माइनस वन। इनको डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 64 एन माइनस वन। बेटा जो चीज़ यहाँ पर माइनस हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी? प्लस, और एन की वैल्यू आएगी 64 प्लस वन क्या होगी जल्दी बताइए? 65। तो 65 टर्म जो है वो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। तो हम इस तरीके से लिख देंगे बेटा, हेंस 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। सो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो एपी जो हैं उनकी 100th टर्म का डिफरेंस 100 आता है। आपने दो एपी की 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है और ये भी गिवन है कि इनका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी सेम है। सो बेटा हम इस तरीके से लिखेंगे, हमने लेट करा ए एंड ए वन बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द टू एपीज एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म ऑफ टू एपीज। सो बेसिकली हमने यहाँ पर क्लियरली बता दिया कि हमारे पास जो दो एपी हैं उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो ए और ए वन है, दोनों का डी जो है वो कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है? हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे मेरी अगर 100th टर्म है, मैं कैसे लिखूंगी? ए प्लस 99 डी, राइट। लेकिन यहीं पे जो दूसरी ए पी है उसमें ए जो है वो ए वन है और यहाँ से लिखेंगे 99 डी। और इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा, इन दोनों का जो डिफरेंस है हम इस तरीके से दिखाएंगे, ए वन 99 डी कितना है बेटा? वो है आपका 100, यहाँ लिखा हुआ 100 है, ठीक है। अब हम क्या करें, माइनस को खोल देंगे। तो माइनस खोलने के बाद क्या होगा? क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, राइट। और 99 से 99 कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? ए माइनस ए वन इज इक्वल्स टू 100।
ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी. ओके सो स्टूडेंट अब हमें क्या निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन द थाउजेंथ टर्म ऑफ द टू एपी. तो जल्दी से मुझे बताइए हम कैसे मेंशन कर सकते हैं थाउजेंथ टर्म, कैसे लिखेंगे हम, ए प्लस नाइन 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 डी में से माइनस करेंगे हम ए प्लस ए वन प्लस नाइन 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 डी, क्योंकि डी दो का सेम है इसलिए यार मैंने डी वन नहीं लगाया. ओके हमें ये चीज़ निकालनी है दिस वन. हम क्या करेंगे इसका ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट खोलने के बाद बेटा क्या आएगा, ब्रैकेट खोलने के बाद आपका ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी ए माइनस ए वन. ठीक है अब मुझे आप ये बताइए कि ए माइनस ए वन की वैल्यू तो हमने ऊपर भी निकाल ली थी, कितनी थी 100. तो सिमिलरली आप लिख देंगे कि जो थाउजेंड टर्म का डिफरेंस है दोनों ही एपी में वो भी कितना आएगा 100 ही आएगा. ठीक है इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा. आई होप आपको समझ आया है कि यहाँ पर डी अलग नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर डी वन नहीं लिया, मैंने सिमिलरली उसी पैटर्न में कर दिया और ये चीज़ मैंने ऊपर प्रूफ करी थी. तो फ्रॉम इक्वेशन वन आप लिख दीजिएगा ए माइनस ए वन जो है वो वन होता है, इसी के साथ इक्वेशन फिनिश हो जाएगा. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है. क्या कह रहा है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने तीन डिजिट के नंबर 7 से डिवाइड हो जाते हैं. तो थ्री डिजिट नंबर जो है बेटा वो आपके शुरू होते हैं 100 से. ठीक है देन 101 2 एंड सो ऑन. हम सभी को पता है कि 100 तो नहीं आता 7 के टेबल में, ना 101 आता है ना ही 102, 3 भी नहीं आता 4 भी नहीं आता है. तो जो फर्स्ट डिजिट है जो 7 के टेबल में आती है वो आती है 105. कैसे पता चला, आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा यहाँ पर 35, किस पे आता है 5 पे, पूरा पूरा जा रहा है तो यानी कि 105 पहली डिजिट है जो 7 से डिवाइड होती है तीन डिजिट की. ठीक है हमें इस क्वेश्चन में खुद एपी बनानी है बेटा. जब भी ये दे रखा होगा ना आपको कि 7 से डिविजिबल है तो ये आपका डी होता है, क्या होता है ये आपका डी. जब आपको ए वन पता चल चुकी है ए टू निकालना तो आसान है, कैसे निकालिए बताइए जल्दी बताइए. ए टू का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस वन डी, ए आपको कितना है 105, वन मल्टीप्लाई डी कितना है 7, 105 प्लस 7 कितना आएगा बेटा 112. इसी के साथ आपके पास ए टू आ जाएगा, फिर इसमें दोबारा से क्या जोड़ दो 7 जोड़ दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ए थ्री आ जाएगा, कितना आएगा ये आएगा आपका 119. अब बात आती है लास्ट टर्म कैसे निकालें. लास्ट टर्म निकालने का एक ट्रिक है बेटा मैं आपको बता देती हूँ, करना आपने कुछ नहीं है, तीन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले लो 999, उसको 7 से डिवाइड कर दो क्योंकि वही क्वेश्चन बोल रहा है ना 7 से डिविजिबल है. तो ये आएगा 129, कितना आएगा यहाँ पर ये आएगा आपका 28 जो कि आता है 4 पे, देन 1 और 9, देन 14 और एन में क्या बचा बेटा रिमाइंडर 5. तो जब आपको लास्ट टर्म पता करनी है आप लार्जेस्ट तीन डिजिट की डिजिट में से जो है आपने क्या माइनस कर देना रिमाइंडर और आपके पास आंसर बचेगा 994 और यही बेटा आपका क्या होगा ए एन होगा. समझ आया, आपने तीन डिजिट का नंबर लेना है 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर है उसको डिविडेंड में से माइनस करके आपने लास्ट डिजिट निकाल लेनी है. तो आपकी लास्ट डिजिट क्या बनी बेटा 994. क्वेश्चन बोला था हाउ मैनी थ्री, तो यहाँ पर मैनी का मतलब है कितने तीन डिजिट के इस ए पी में बैठे हुए हैं, आपको एन निकालने के लिए बोल रहा है तो निकाल देते हैं. सो स्टूडेंट आपने बस वैल्यूज को पुट करना है इसमें, इस वाले फॉर्मूले में सारी चीज़ें मैं लिख दी हैं ए बी और ए एन. तो ए एन है 994, ए है 105 प्लस एन माइनस 1 ठीक है 7, जो प्लस हो रही है डिजिट इधर के माइनस कितना आएगा जल्दी बताइए. ये सारी चीज़ों को हम ऐसे ही लिख देंगे और जब हम माइनस करेंगे बेटा यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 889. और बेटा इसको किससे डिवाइड करें, यहाँ पर 7 है 7 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पे आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा आपका 889 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 127 और यहाँ है n माइनस 1. जो चीज़ माइनस हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी प्लस और n की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी 128. और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा. आपने बता दिया कि 128 नंबर ऐसे होते हैं तीन डिजिट के जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं. सो बेटा आप इस तरीके से लिख देंगे हेंस
नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 इज 128। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 13 करा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के कितने मल्टीपल 10 और 250 के बीच में आते हैं। सो स्टूडेंट हम क्या देखेंगे, 10 और 250 के बीच में नंबर्स देखते हैं जो 4 के टेबल में आते हैं। तो 4 का टेबल पढ़ो, 4 8 12। तो 8 तो नहीं ले सकते, ना ही 4 ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 10 से ऊपर बोला है। तो 10 से ऊपर जो पहला नंबर है वो है 12। मैंने पहले बताया था जब भी इस तरीके से लिखा होगा डिविजिबल और आपको लिखा होगा मल्टीपल, वो आपका डी होता है। तो डी कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। तो यहाँ पर जब मैं 4 ऐड करूँगी कितना आएगा, 16, फिर 20। ए एन कैसे निकालते हैं, सिंपली लास्ट वाला नंबर जो है उसको डिवाइड कर दो 4 से। कितना आएगा आपका, 1 और 0 और 8 और रिमाइंडर बच गया 2। तो 250 में से आप रिमाइंडर क्या कर देंगे, माइनस, और आपका आएगा 248। ये आपका क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। ठीक है, आपने निकालना है हाउ मैनी, ठीक है, यानी कि आपसे वो निकालने के लिए बोल रहा है एन। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था एन कैसे निकला है, फॉर्मूला आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, ए एन ए प्लस एन माइनस वन टू डी। ठीक है, अब अगर हम देखें ए हमारा 12 है प्लस एन माइनस वन, कितना है बेटा आपका 4 और ए एन है 248 जो प्लस हो रहा है इधर आके माइनस। सिमिलर पैटर्न में पीछे की चीज़ों को ऐसे लिख देंगे, यहाँ आएगा 6 3 2 एन माइनस 1 2 4। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो हम कैसे लिखेंगे, 236 डिवाइड बाय 4 एन माइनस 1। सो स्टूडेंट जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 59 और यहाँ एन माइनस 1, जो चीज़ यहाँ माइनस हो रही है इधर आके प्लस, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो टोटल टर्म्स जो होंगी बेटा, ठीक है, 10 से 250 के बीच में जो कि 4 से डिवाइड हो जाती हैं वो आपकी होंगी टोटल 60। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, डिटरमाइन द एपी हुज द थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो यहाँ पर क्लियरली बोला हुआ है बेटा कि जो सेवेंथ टर्म है वो बड़ी है फिफ्थ टर्म से, कितनी बड़ी है 12। तो ये जो एक्सीड्स वाले क्वेश्चन होते हैं डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आप मुझे बताओ 12 बड़ी है, अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगी और बड़ी हो जाएगी, लेकिन मुझे तो इसको इक्वल टू में लाना है। तो मैंने हमेशा बताया था कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं इक्वल टू में और हमेशा ऐड होता है उसके जस्ट अपोजिट में, कितना 12। ठीक है, तो ए सेवन कैसे खुलेगा, ए प्लस 60 और ए फाइव ए प्लस 4D प्लस 12। ए से ए कैंसिल, 4D इधर आ जाएगा, 60 माइनस 4D क्या आएगा आपका 2D और D की वैल्यू क्या आएगी आपकी, डिवाइड में चला जाएगा ये 2 6। तो आपके पास डी आ चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा था डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है कि थर्ड टर्म जो है वो क्या है, 16 है। सो स्टूडेंट हमें एपी निकालनी है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हमें थर्ड टर्म देखिए 16, तो अब हम थर्ड टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए थर्ड इज इक्वल्स टू 16 ए प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। डी जस्ट हमने अभी निकाला था, 6 आ रहा था हमारा, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे डी की जगह पे, ए प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 16 16, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और इधर आके माइनस। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। अब मुझे ए पी बनानी है, तो ए पी कैसे बनती है, ए वन पता होना चाहिए, ए टू ए थ्री एंड सो ऑन। तो मैं ए वन कैसे निकालूंगी, जो ए होता है वही तो हमारा ए वन होता है, तो ए इज इक्वल्स टू ए वन इज इक्वल्स टू 4। तो ए वन कितना आ गया, 4। ए टू कैसे निकलेगा, ए टू निकलता है ए प्लस 1D, तो ए कितना आया, 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई डी कितना था, 6। तो 4 प्लस 6 कितना आ गया, 10। अब डी प्लस करना आपने, ए 3 आ जाएगा, डी है 6 16। इसी के साथ आपकी ए पी बन के तैयार हो जाएगी। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट ये क्वेश्चन फिनिश होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म
ऑफ एन एपी। सो आपको इसमें क्या करना है, आपने आखिरी से 20th टर्म पे जो इंसान बैठा हुआ है वो बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन में बेटा आप सीधी एपी से सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपको एपी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखेंगे, लास्ट जो टर्म है उसको सबसे पहले लिखेंगे। आपको यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा होगा, कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 5 का। तो आपका डी कितना होने वाला है, 5। जब आप 253 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा बेटा आपका, बेटा आपका आएगा 248। इस तरीके से आपकी एपी तैयार हो जाएगी। एंड में क्या बचेगा, 13, 8 और 5। ठीक है, तो आपने अब क्योंकि आपने अपनी एपी रिवर्स कर दी है, तो आपने स्टार्टिंग से अब क्या निकालना है, 20 नंबर पे कौन बैठा हुआ है। ठीक है, हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें A20 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, A+19D, ये तो फॉर्मूला होता है। A कितना है, 253, 19 मल्टीप्लाई D, डी कितना था, 5। जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर। आंसर जो आएगा बेटा, यहाँ पर आप डी ढंग से लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डी होने वाला है वो माइनस में आएगा। 248 में से जब आप माइनस करेंगे 253, तो आपका डी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन किसका, जो डिजिट बड़ी होती है। तो ये आएगा आपका -5। यही चीज़ जो है आपके नंबर कटवा देता है इस तरीके से। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 95, 253, और इनको माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 158, और यही होगा हमारा 820। तो जब भी आपको फ्रॉम द लास्ट एंड दे रखा होगा बेटा, आप क्या करेंगे, ऑलवेज आप एपी को रिवर्स कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके okay?